हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, एसआईटी की टीम अभी अभी अंदर गई है। ये जो काफिला आप देख रहे हैं ये एसआईटी का था। एसआईटी कल भी थी जब हमारी मौजूदगी पीड़ित परिवार के घर के अंदर थी। देर रात एसआईटी आई थी। हर कोई हैरान हो गया कि रात को 9 बजे के बाद एसआईटी का आने का क्या मतलब है। अचानक रात को एसआईटी आई थी तब जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीबीआई जांच की अनुशंसा कर दी थी। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, एसआईटी की टीम सुबह सुबह घर की तरफ गई है। अंजलि जो हमारी संवाददाता परिवार के साथ मौजूद है, अंजलि आपके पास मैं आऊंगी क्योंकि एसआईटी की टीम किसी भी वक्त आपके साथ पहुंच जाएंगी। और ये देखिए एम्बुलेंस भी आ गई है। एम्बुलेंस के अंदर जाने का क्या मतलब है? क्या परिवार में कोई बीमार है या फिर कोई शिकायत की गई है परिवार की तरफ से? बड़ी जानकारी आपको मैं दे रही हूँ। एसआईटी यहाँ आई है। एसआईटी के पास 7 दिन थे। एसआईटी ने अपनी पहली रिपोर्ट दे दी है जिसके बाद एसपी सहित पांच पुलिसकर्मियों पर गाज गिरी थी। और कल रात ही एसआईटी की टीम आनंद फानंद में आ गई थी मुलाकात करने परिवार से, तब जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीबीआई जांच की अनुशंसा कर दी थी। तब परिवार ने कहा था रात को कि पिता की तबीयत ठीक नहीं, तो एसआईटी की टीम बिना सवाल जवाब किए वापस चली गई थी। हमने कल एसआईटी से पूछा था कि अब आप क्यों आए हैं, तो उन्होंने कहा था देखिए पैरेलल जांच चलती रहेगी, हमारा काम 7 दिन में रिपोर्ट देने का है, वो हम देते रहेंगे। और बहुत संभव है कि अब जो भी रिपोर्ट एसआईटी तैयार करे सीबीआई एसआईटी से मांगे, इसीलिए एसआईटी डबल एक्शन में आ गई है। इस वक्त की बड़ी खबर जो तस्वीरें आपने देखी काफिले की, वो एसआईटी के काफिले की है। हमारी सहयोगी अंजलि परिवार के अंदर घर के अंदर मौजूद है, परिवार के साथ मौजूद है। अंजलि के पास हम लिए चलेंगे, आपको जानेंगे कि वहां पर क्या गहमा गहमी बढ़ गई है। कुछ सेकंड के अंदर पहुंच जाएंगी अंजलि। एसआईटी की टीम घर के अंदर दाखिल होने वाली है, अभी अभी यहां से मैंने काफिला गुजरते देखा है। जी कुमकुम, अगर आपने वहां से देखा है बैरिकेडिंग के पास से, तो करीब 2 से 3 मिनट का वक्त ही लगेगा एसआईटी की टीम को यहां पर पहुंचने में, और हम अंदर ही मौजूद हैं, तो हो सकता है किसी भी पल यहां पर एसआईटी की टीम पहुंच जाए। कल रात को भी जब हम यहां पर थे उस समय भी एसआईटी की टीम आई थी। यहां पर जो एसआईटी इंचार्ज है वो कहकर गए थे कि दरअसल परिवार के और पिता के कुछ बयान बाकी थे, कुछ जांच बाकी थी, लेकिन कल परिवार थका हुआ था, इस वजह से टीम यहां से वापस चली गई, बात नहीं की, क्योंकि बयान लेने में और तमाम जांच से जुड़ी पूछताछ करने में काफी लंबा समय लग जाता है। तो परिवार की स्थिति को देखते हुए यहां से टीम वापस चली गई थी। और अब जैसा कि आप जानकारी दे रही हैं और यहां पर हम ठीक अंदर ही मौजूद हैं, बहुत लंबा वक्त नहीं लगना चाहिए, तो जैसे ही एसआईटी की टीम पहुंचती है हम आपको बताएंगे। और इसके साथ ही साथ परिवार की स्थिति की बात करें तो अभी परिवार में जो गम है, जो दुख है, वो रोना, वो सब कुछ अभी भी उसी तरह से जारी है। एक एम्बुलेंस भी गई है जी। क्या परिवार में कोई है जो बीमार है? देखिए अभी ऐसी कोई जानकारी नहीं मिली, हालांकि जो पिता हैं उनकी तबीयत पहले से ही काफी जो खराब बताई जा रही है, मतलब काफी वो थका हुआ और कमजोर भी महसूस कर रहे थे। कल भी जब हमने उनसे बात की तो काफी कम ही बोल पा रहे थे। और ऐसे में अब ये बात सामने आ रही है कि एसआईटी की टीम आएगी, तो ये भी देखना होगा कि क्या परिवार के जो सदस्य हैं वो बात करने की स्थिति में हैं या नहीं। और तमाम लोग, देखिए ये जो स्थिति है ये वैसे भी बहुत विकट है, क्योंकि जिस तरह से परिवार के ऊपर लगातार प्रेशर रहा है और उनको उनके ऊपर लगातार ये दबाव रहा है कि वो किस तरह से घर के अंदर रखे गए, किस तरह से जब हमने बात की तो खाने पीने की चीजों के लिए भी 2-3 दिन तक उनको इंतजार करना पड़ा, तो ये तमाम समस्याएं हैं। और जाहिर सी बात है कि कुछ लोगों की स्थिति भी उतनी ठीक नहीं है, लेकिन अभी तक जो जानकारी है ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ज्यादा बीमार है, लेकिन एसआईटी की टीम यहां पर जो पहुंचने वाली है वो ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं, एसआईटी की टीम यहां पर पहुंच गई है। ये एसआईटी इंचार्ज हैं जिनसे कल हमने बात की थी, और सर का ये कहना था कि कल वो बयान लेने आए थे, हालांकि उस समय परिवार की स्थिति उस तरह की नहीं थी कि वो बात करें। और एसआईटी इंचार्ज सर से हम बात करते हैं। सर कल आप लोग आए थे लेकिन आपने कहा कि परिवार अभी बात करने की स्थिति में नहीं है, तो आज क्या आप उसी जांच को आगे बढ़ाएंगे? सर क्या एसआईटी की जांच पैरेलली चलेगी सीबीआई जांच के साथ साथ? हमें अपनी रिपोर्ट बहुत समयबद्ध रूप में देनी है। कल पिताजी की इनकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, बता रहे थे थक गए हैं, बेसिकली बयान देने की स्थिति में नहीं थे, तो हम लोग कहा था कि सुबह आएंगे, उन्होंने खुद ही कहा था कि सुबह आए आप,
तो हम लोग सुबह आए। ये माता जी के बयान हो गए हैं, दोनों ब्रदर्स के बयान हो गए हैं, इनकी एक बहन है उनके बयान हो गए हैं, बाकी पिताजी और जो इनके और परिजन हैं अभी उनसे बात करके उनके बयान लेंगे। नहीं, ये सब नहीं शेयर कर सकते हैं। हमें 7 दिन का समय दिया गया, हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो डेडलाइन। अभी घर वालों से बात नहीं हो पाई है, पहले आप ही लोग बात कर रहे हैं, तो एक बार उनसे बात कर लें फिर बताएं। ऐसा करें कि हम लोग, आप लोग जो है ना, बिल्कुल जी बिल्कुल, आप इनको जगह दे दें, जब हम लोग निकलने लगे तो हम आपको बता देंगे हमने क्या क्या कर लिया। देखिए SIT का काम है और हम यहाँ पर बिल्कुल भी उसमें दखल अंदाजी नहीं करेंगे। ये सारी जांच की प्रक्रिया है और अभी यहाँ पर जो SIT इंचार्ज पहुंचे हैं उन्होंने ये ब्रीफ किया कि कुछ लोगों के बयान बाकी रह गए थे, पिता के बयान बाकी रह गए थे, जिन लोगों के बयान हुए हैं वो भी उन्होंने बताया। और SIT अब अपनी जांच शुरू करेगी और अब यहाँ से जो पूछताछ है, अगर परिवार जो है उस स्थिति में होगा तो पूछताछ के बाद जी अंजलि। और यहाँ पर एक बार फिर से दर्शकों को मैं दिखा दूँ, देखिए गहमा गहमी सुबह से यहाँ अचानक बहुत बढ़ गई है और तुरंत जो PAC थी, जो स्थानीय पुलिस थी, वो एक्शन में आ गई है। देखिए सुबह से तो बैरिकेड, आप लोगों ने फिर से बैरिकेड लगा दी, कोई दिक्कत? आने जाने की इजाजत है ना? तो ये बैरिकेड अभी तक नहीं लगाते, देखिए सुबह से आराम से हम बिना बैरिकेड के काम कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर बैरिकेड लगा दिया गया, यहाँ पर गहमा गहमी बढ़ गई है देखिए आप। और इन सब के बीच अंजलि SIT वहाँ आई है, कल रात को अचानक SIT का आना, फिर आज सुबह देखिए अभी तो 9:40 ही हुए हैं, अधिकारी तो अमूमन थोड़ा वक्त लेते हैं और छुट्टी का दिन तो और वक्त लेते हैं। ये दिखाता है कि CBI जांच की अनुशंसा ने कहीं थोड़ा असहज किया है SIT को, क्योंकि हो सकता है कि CBI भी मांगे दस्तावेज SIT से। अंजलि तो अंजलि लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अंजलि, हम इस समय अंजलि के कैमरे से तस्वीर दिखा रहे हैं, अंजलि का फोन कट गया है तो जैसे ही अंजलि का फोन लगता है मेरा उससे संपर्क हो जाएगा, लेकिन जो उनके कैमरे से तस्वीरें मिल रही है वो आप देख रहे हैं घर के अंदर की। और SIT की टीम जब वहां पहुंची तो SIT की टीम को जो हेड कर रहे हैं उन्होंने कहा कि कल भी हम आए थे, जो कि मैंने आपको बता दिया था पहले हमारी मौजूदगी में ही SIT की टीम आई थी। असाना खम भी हैरान हो गए थे कि रात के 10 बजे SIT का आना, इसका मतलब क्या हुआ? मतलब आप संयोग देखिए कि इधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ CBI जांच की अनुशंसा करते हैं, उधर कुछ एक सवा घंटे के अंतराल में SIT की टीम आ जाती है और फिर 3 से 4 मिनट SIT की टीम घर में रुकी, क्योंकि परिवार की हालत थी ही नहीं। कल तो खैर परिवार बहुत ही बुरी हालत में था, थी नहीं परिवार की हालत की वो बात करें। और SIT की टीम के साथ साथ एम्बुलेंस दी गई है, तो क्या वो एम्बुलेंस गांव में किसी और के लिए गई है, या फिर जो पिता की हालत खराब बताई जा रही, थोड़े बीमार बताए जा रहे, परेशान बताए जा रहे, उनके लिए वहां पर SIT की टीम एम्बुलेंस लाई है? और SIT की टीम ने एक और जानकारी दी कि मां के बयान दर्ज हो गए हैं, पिता के बयान अभी दर्ज होने हैं। मैं आपको बता दूं SIT की टीम को 7 दिन का वक्त दिया गया था, जो अपनी पहली रिपोर्ट दे चुकी है। अंजलि, ओवर टू यू। जी बिल्कुल, SIT की टीम अपनी प्राथमिक जांच के आधार पर रिपोर्ट सौंप चुकी है, उसी आधार पर पुलिस वालों पर कार्रवाई हुई, जिसमें SP और CO समेत 5 लोग निलंबित किए गए, लेकिन अभी जांच जो है वो जारी है, तो अब ये देखना होगा कि क्या गाज कुछ और लोगों पर भी गिरेगी, कुछ और अधिकारियों पर भी गिरेगी। यहाँ पर अभी आप ये देख सकते हैं कि घर के बाहर हम मौजूद हैं, क्योंकि अंदर अब SIT की जांच अपनी शुरू हो गई है और यहाँ पर अभी पुलिस भी पहुंच गई है, सुरक्षा के लिहाज से यहाँ पर अब घर के अंदर पुलिस को भी तैनात कर दिया गया है। और अब जितनी लंबी ये पूछताछ होगी, जितनी देर SIT की टीम अंदर रहेगी, हालांकि SIT इंचार्ज खुद कहकर गए कि एक बार जब वो पूछताछ कर लेंगे, बाहर आकर वो खुद मीडिया के सामने बयान देंगे कि आगे की क्या कार्रवाई रहेगी, आज की पूछताछ में क्या क्या सामने निकल कर आया। लेकिन अब ये देखना होगा कि ये तमाम जो जांच है, हर तरह की जांच, हर एजेंसी की जांच, ये कितनी कारगर साबित होती है इस परिवार की मदद करने में, इस परिवार की बेटी को साफ दिलाने में। जी देखिए अंजलि, SIT यानी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, कहीं ऐसा तो नहीं कि सरकार SIT की आखिरी रिपोर्ट का इंतजार कर रही है और उसके बाद जो सवाल ABP न्यूज लगातार उठा रहा है कि DM प्रवीण कुमार पर कार्रवाई कब हो जाए? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात तो यही है कि DM साहब
पिछले कई दिनों से तस्वीरों से गायब हैं। आखिरी बार हमने उन्हें तभी देखा था जिसके बाद से अगले दिन हमने सुबह उनको घर पे उनके घर पे अपनी टीम भेजी, अपने रिपोर्टर को भेजा और उसके बाद से उसकी एक रात पहले से जो वो गायब हुए तो वो दिखाई ही नहीं दिए। जब गाड़ी में बैठे तो दौड़ते हुए निकल गए और अब ये सवाल जरूर उठता है कि जब एक बार टीम यहाँ पर पहुंची है, तमाम लोगों के बयान लेगी और जैसा मुझको और आपको आपसे बात करते हुए परिवार ने भी कहा कि एक एक जिम्मेवार व्यक्ति अगर वो किसी को मानते हैं तो वो यहाँ के जिला अधिकारी होंगे। उसके साक्ष्य भी सामने हैं। वीडियो में जिस तरह की बातें वो परिवार से कह रहे हैं वैसा कोई भी प्रशासनिक स्तर का अधिकारी किसी पीड़ित परिवार से शायद उस तरह की बातें ना करे। लेकिन डीएम साहब के ऊपर क्या कार्रवाई होगी ये देखना पड़ेगा। उनको कौन सा ऊपर वाला बचा रहा है ये भी देखना पड़ेगा। एसआईटी की जांच में क्या वो उनकी कोई गलती पाई जाती है, ये तमाम चीजें भी धीरे धीरे साफ होंगी। जी, क्योंकि अगर परिवार का बयान लिया जा रहा है अंजलि, और परिवार तो कहेगा, परिवार ने पुलिस का नाम लिया तो देखिए एसपी पर गाज गिरी, तो परिवार अगर डीएम का नाम लेगा तो क्या एसआईटी की रिपोर्ट में उस नाम को भी शामिल किया जाएगा। एक और बात अंजलि, अब जब सीबीआई जांच शुरू करेगी तो बहुत संभव है कि जो एसआईटी की जांच है थोड़ा संपर्क में आए, दस्तावेज मांगे, क्योंकि महत्वपूर्ण होती है। एसआईटी की टीम बड़ी प्रोफेशनल तरीके से काम करती है, इसीलिए भी एसआईटी की टीम कल से देखिए डबल एक्शन में आ गई। आपने सुना है कभी रात को 10 बजे एसआईटी की टीम बयान दर्ज करने आ गई हो? ऐसा कोई बड़ा अपराध उस परिवार ने नहीं किया है। उस परिवार का अपराध केवल इतना है कि वो न्याय की आवाज उठा रहा है, लेकिन वो असहजता, वो अनकंफर्टनेस महसूस हो रही है एसआईटी में। नहीं देखिए, ये सारी जांच की प्रक्रिया है। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम जैसे आपने कहा, इसको इसीलिए यहाँ पर तैनात किया गया है कि जिस तरह से पूरे मामले को हमने उठाया, जिस तरह से एक एक परिवार की बात जो सामने आई और इस पूरे मामले में प्रशासन का जो ढुलमुल रवैया रहा, उसी के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से इस एसआईटी का गठन किया गया है। तो हमें इस संस्था पर भी विश्वास रखना चाहिए। अपनी रिपोर्ट ये जांच करके सौंपेंगे। हालांकि ये भी देखना होगा कि किसी तरह का दबाव तो नहीं बनाया जाता अभी भी जब बयान दर्ज किए जाते हैं, तो ये तमाम चीजें हैं क्योंकि परिवार ने जिस तरह से खुलकर अपनी बात रखी है हमारे कैमरा के सामने भी, तो ये तमाम चीजें हैं। लेकिन एसआईटी के इंचार्ज ये कहकर गए हैं कि जल्द से जल्द उनकी कोशिश है कि जो उनको समय सीमा मिली है वो इसमें अपना काम पूरा करके रिपोर्ट जो है वो सरकार को सौंप दें। जी, आप लगातार बने रहिए अंजलि। रवि कांदी लगातार डीएम आवास के बाहर मौजूद हैं और बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है आज का दिन, क्योंकि एसआईटी जो कल गई थी जिसको बैरंग लौटा दिया परिवार ने कहकर कि तबियत ठीक नहीं है, इस समय हालत नहीं है कि बयान दर्ज करें, ये जो प्रक्रिया है बयान दर्ज करने की कितनी लंबी चलती है, और बयान में अगर परिवार डीएम का नाम लेता है तो क्या डीएम पर गाज गिरती है, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है जो हम लगातार उठा रहे हैं, उठाते रहेंगे तब तक जब तक जवाब नहीं मिल जाता। बहुत छोटा सा ब्रेक, बड़ी कवरेज जारी है। हाथरस की बेटी के लिए इंसाफ तब तक अधूरा है जब तक डीएम पर गाज नहीं गिराई जाती। इन सब के बीच बड़ी खबर आपको बता दें, बीएसपी प्रमुख मायावती ने अभी अभी एक ट्वीट किया है। ट्वीट में उन्होंने योगी सरकार को निशाने पर लिया, ये कहते हुए कि जिले के प्रमुख पर कार्रवाई न होना चिंताजनक है। परिवार लगातार ये कह रहा है कि उनको डीएम पर भरोसा नहीं, फिर भी कार्रवाई डीएम पर क्यों नहीं हो रही, इस वक्त की बड़ी खबर। हाथरस गैंगरेप कांड के पीड़ित परिवार ने जिले के डीएम पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। ये देखिए, ये आपके सामने मायावती का ट्वीट। मायावती लिखती है, हाथरस गैंगरेप कांड के पीड़ित परिवार ने जिले के डीएम पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं, धमकाने सहित, फिर भी यूपी सरकार की रहस्यमय चुप्पी दुखी व अति चिंताजनक। हालांकि सरकार सीबीआई जांच हेतु राजी है, किंतु उस डीएम के वहां रहते इस मामले की निष्पक्ष जांच कैसे हो सकती है, लोग आशंकित हैं। ऐसा लगता है कि बीएसपी प्रमुख मायावती भी लगातार एबीपी न्यूज देख रही हैं, क्योंकि ये सवाल तो एबीपी न्यूज पिछले 3 दिन से उठा रहा है और अब तो और महत्वपूर्ण हो जाता है ये सवाल कि जब मामले में एसआईटी जांच कर रही है, जब सीबीआई कर रही है, तो डीएम जिस पर आरोप लगे हैं वो इस जिले का प्रशासनिक अधिकारी कैसे बन सकता है। इसका मतलब जो सवाल एबीपी न्यूज उठा रहा है वो बिल्कुल वाजिब है। जो सवाल एबीपी न्यूज लगातार उठा रहा है कि एसपी पर कार्रवाई हुई तो डीएम पर कार्रवाई क्यों नहीं। और देखिए ना, इसी को लेकर आईपीएस एसोसिएशन में लगातार नाराजगी बढ़ रही है। कहने को ये कहा जा रहा है कि जब बराबर की गलती है, एसपी पर आपने गाज गिरा दी तो डीएम पर गाज क्यों नहीं गिराई जा रही। हमारे सहयोगी रविकांत पिछले 3 दिन से डेरा जमाए हुए बैठे हैं डीएम के घर के बाहर। डीएम भागते भागते दफ्तर जाते हैं, भागते भागते दफ्तर से घर वापस आते हैं, लेकिन सवालों के जवाब से बच जाते हैं। सवाल हमारा ये कि वो प्रशासनिक अधिकारी, जिले का वो सबसे बड़ा अधिकारी जो परिवार को आकर
धमका रहा है, ये बता रहा है कि तुम इतने अनपढ़ हो कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट कैसे पढ़ोगे। अगर तुम पोस्टमार्टम रिपोर्ट पढ़ोगे तो पढ़नी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि वो तो अंग्रेजी में है। बाकायदा भाई को धमकाया गया, ये एबीपी न्यूज के कैमरे में भाई ने कहा है। इन सब के बीच सूत्रों के हवाले से एबीपी न्यूज के पास बड़ी जानकारी ये भी लगी है कि उत्तर प्रदेश में आईपीएस और आईएएस लॉगी के बीच में नाराजगी पैदा हो गई है। हाथरस के एसपी सस्पेंड हो गए, लेकिन डीएम पर सरकार मेहरबान क्यों? सूत्रों के मुताबिक आईपीएस एसोसिएशन इस एक्शन से नाराज है। आईपीएस एसोसिएशन ये कह रही है कि एसपी की गलती बराबर, डीएम की गलती बराबर, तो कार्रवाई आपने एसआईटी की जांच की पहले रिपोर्ट पे कर दी एसपी पर, तो डीएम पर कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए? और यही सवाल तो एबीपी न्यूज लगातार उठा रहा है कि एसआईटी कैसे मामले में जांच रिपोर्ट देगी, सीबीआई कैसे मामले की निष्पक्ष जांच करेगी, जब जिले का वो अधिकारी जिले में मौजूद होगा जिस पर परिवार गंभीर आरोप लगा रहा है। क्या ये जांच को प्रभावित करने वाला काम नहीं है? इसलिए लगातार एबीपी न्यूज मांग कर रहा है कि जिले से प्रवीण कुमार डीएम जो कि हैं, उन्हें हर हाल से जिले से दूर किया जाए, उनको उनके पद से हटाया जाए। सीधे ये चलते हैं आपको रविकांत। रविकांत, आज मायावती ट्वीट कर रही है वो बात जो पिछले 3 दिन से लगातार आप डीएम आवास के बाहर खड़े होकर पूछ रहे हैं। जरूर कुमकुम, हम पूछ रहे हैं और उसकी ठोस वजह है जो हम लगातार दर्शकों को बता रहे हैं। सिर्फ डीएम का हटना न हटना हमारे लिए मायने नहीं रखता। अगर डीएम की मौजूदगी से पीड़िता के परिवार का को न्याय मिलने का रिश्ता ना होता, पीड़िता के परिवार को न्याय तभी मिलेगा जब निष्पक्ष जांच होगी, और निष्पक्ष जांच डीएम हाथरस जो इस समय मौजूदा है प्रवीण कुमार लक्षकार, उनके रहते साफ जांच नहीं हो सकती है, पारदर्शी जांच नहीं हो सकती है, क्योंकि उन्हीं पर आरोप है साक्ष्यों से छेड़छाड़ करने का, साक्ष्यों को जला देने का, धमकाने का, परिवार को धमकाने का। यानी जितना बुरा से बुरा हो सकता है किसी केस में, वो सब हाथरस के डीएम प्रवीण कुमार लक्षकार पहले ही कर चुके हैं। तो जो जिस डीएम ने इतना अधिक केस को बिगाड़ा हो, उस डीएम को जल्द से जल्द यहां से हटना चाहिए, तभी जो जांच है वो निष्पक्ष हो पाएगी। रविकांत, ये होती है जिम्मेदारी से भरी हुई पत्रकारिता। हम सवाल पूछते हैं वो जो वाकई बुनियादी हैं। आज सियासतदान उन सवालों पर आए जो पिछले 3 दिन से हम लगातार पूछ रहे हैं। आप डीएम के घर के बाहर रहकर मौजूद हैं, वो पूछ रहे हैं, हम परिवार से पूछ रहे हैं और पूछते रहेंगे तब तक जब तक हमें जवाब नहीं मिल जाता। आखिर डीएम प्रवीण कुमार को कौन बचा रहा है? इस बड़ी कवरेज पर लगातार बने हुए हैं। बहुत छोटा सा ब्रेक, बने रहिए एबीपी न्यूज के साथ।